सन 2017, 12 मई, ये एक ऐसा समय था जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ लोगों की लगी पड़ी थी, क्योंकि गाइस इस डेट को है ना एक ऐसा वायरस आया जिसने 150 देशों को अपनी चपेट में ले लिया। अब ये कोरोना वायरस था ना ही कोई और वायरस, ये था कंप्यूटर वायरस। इस खतरनाक वायरस ने करोड़ों लोगों का कंप्यूटर डाटा ब्रेकफास्ट समझ के खा लिया, और इसमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल थी। ये वायरस किसी शराब से कम नहीं था। ये जो वायरस था वो ब्लैक हैट हैकर्स द्वारा बनाया एक क्रिप्टो वाम था, जहाँ पे सभी लोग अपना पैसा और डाटा खोने से रो रहे थे। वहीं एक 22 साल का ब्रिटिश नौजवान इन सब के बीच एक मसीहा बन के आया, जिसने सिर्फ कुछ ही दिनों में उस वायरस का एंटीडोट बना लिया, मतलब कि एक ऐसा सिक्योरिटी पैच बनाया जिससे इस वायरस का अंत हो गया। लेकिन उस ब्रिटिश नौजवान को जहाँ लोग हीरो मान रहे थे, वहीं उसे 5 साल की जेल हो गई। ये अब तक का सबसे बड़ा वायरस था जिससे उस लड़के ने छुटकारा दिलवाया, लेकिन उसका सिला उसको ये मिला, जेल ही में डाल दिया। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर में ऐसा उसके साथ क्यों किया गया, तो वो ऐसा कौन सा वायरस था जिसने 150 देशों में अपना कहर बरसाया था, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो गाइस, जब से इंटरनेट की शुरुआत हुई है तब से मालवेयर और सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ें बनाई जा रही हैं। मालवेयर भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। इसकी शुरुआत सन 1988 में 2 नवंबर को हुई थी, और मालवेयर से भी मिलती जुलती एक और चीज़ होती है, रैनसमवेयर। रैनसमवेयर में रैनसम का मतलब होता है फिरौती, और वेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर को बर्बाद करके रख दे। और फ्रेंड्स, इसी रैनसमवेयर और मालवेयर को बनाने वाले होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स और वाइट हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स वो होते हैं जो परमिशन लेके काम करते हैं, उनको इथिकल हैकर भी बोला जाता है, और वही ब्लैक हैट हैकर्स अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। तो 2017 में इन्हीं ब्लैक हैट हैकर्स ने एक ऐसा वायरस तैयार किया जिससे वो लोगों को बिना परमिशन के लूट सकते हैं। इस खतरनाक वायरस का नाम था वनाक्राई। ये वायरस एक आम वायरस से काफ़ी ज़्यादा एडवांस था, इसलिए ये बहुत जल्दी फेमस भी हो गया। जो नॉर्मल वायरस और मालवेयर्स होते हैं उनको किसी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल को एक्सेस करने के लिए उसका परमिशन अलाउ चाहिए पड़ता है। अक्सर आप किसी लिंक में या फिर वेबसाइट में विजिट करते हो तो आपसे परमिशन अलाउ का एक ऑप्शन मांगा जाता है, और जैसे ही आप वो परमिशन अलाउ करते हो तो वैसे ही वो मालवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, मतलब समझो कि आपका पूरा डाटा हवा हवाई हो गया। लेकिन ये जो मालवेयर था वनक्राई, इसको किसी भी तरह की परमिशंस या अलाउ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो गाइस, उस समय ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जो कि थोड़ा ओल्ड और अनअपडेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, और इसी बात का फ़ायदा उठा के हैकर्स ने उन सभी के सिस्टम में अटैक कर दिया। अटैक कुछ ऐसा था कि यह वायरस उनके सिस्टम में जाते ही साथ उनका पूरा डेटा इनक्रिप्टेड करके लॉक कर देता था, और जब वो यूज़र उस डेटा को यूज़ करने के लिए खोलता था तो उससे उस डेटा के बदले एक फिरौती की रकम मांगी जाती थी। फिरौती की रकम $300 बिटकॉइंस के रूप में मांगी जाती थी, और वो हैकर्स उनको फिरौती की रकम जमा करने के लिए टाइम भी देते थे, और टाइम बीत जाने पर उस रकम को डबल कर दिया जाता था, और जिसने भी उस फिरौती की रकम को चुकाया उसको उसका डेटा फिर भी नहीं मिला। जी हाँ, उसको उसका डेटा फिर भी नहीं मिला। ये वायरस काफ़ी सारे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी इफेक्ट करने लगा था, जैसे ड्यूटेचेश बैंक, फेडएक्स और निसान। तो इस वायरस के बीच में एंट्री होती है मार्कस हंटेज की। उसने केवल 3 से 4 दिन में इस खतरनाक वायरस का एक सिक्योरिटी पैच तैयार कर दिया, और लोगों को इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया। लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि इतनी कम उम्र के लड़के ने आखिर ये किया तो किया कैसे। जो आदमी बड़े बड़े नहीं कर पाया वो उस 22 साल के लड़के ने कर दिखाया। मार्कस इंटरनेट की दुनिया का एक हीरो बन गया था। इस कारण से मार्कस के कुछ बेकार अतीत की खबर FBI वालों को लग गई, और मार्कस जब लॉस वेगास डेफकॉइन हैकिंग कॉन्फ्रेंस में चला गया था, अब लौटते समय उसको FBI वालों ने पकड़ लिया। तो उसको FBI वालों ने आखिर क्यों पकड़ा, इसके लिए हमें मार्कस की थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। तो मार्कस का जन्म सन 1994 को इंग्लैंड में हुआ था। उसकी मॉम एक स्कॉटिश थी और फादर जमैका से ताल्लुक़ रखते थे। मार्कस को इंटरनेट और कंप्यूटर में बचपन से ही शौक़ था। जब वो 13 साल का था तो उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने अपने स्कूल के सभी पासवर्ड्स को हैक कर लिया था। इसलिए प्रिंसिपल ने उसको स्कूल से निकाल दिया, और निकाले जाने के बाद उसका पूरा ध्यान इंटरनेट में घुस चुका था। वो दिन रात पूरा समय अपना कंप्यूटर में ही बिताया करता था, और 13 से 14 साल की उम्र में उसने डार्क वेब जैसी साइट पर विजिट करना शुरू कर दिया, और वहाँ पर काफ़ी सारे हैकिंग फोरम्स पर ज्वाइन होने लगा, और उन्हीं में से था एक हैक फोरम। वो एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड हैकर्स के लिए था, और इस हैक फोरम में ज्वाइन होने के लिए उसको एक कंडीशन दी गई, उसको एक बॉटनेट बनाने के लिए बोला गया।
बॉटनेट वो होता है जो डाटा को चुराने की और सिस्टम को बंद करने की क्षमता रखता है। मार्कस ने यह बॉटनेट बना के उनको भेज दिया और वो उस फोरम में ज्वाइन हो गया और वो 16 साल की उम्र तक एक ब्लैट हैकर बन चुका था। फिर एक दिन मार्कस को विनी नाम की हैकर का एक मैसेज आता है। वो विनी नाम का हैकर मार्कस से एक हैकिंग टूल किट बनाने के लिए बोलता है। ये एक ऐसा मालवेयर था जो कि बैंक के सिस्टम को हैक कर सकता था। मार्कस का मन नहीं था ये बनाने का, बट विनी उसको इसकी काफ़ी तगड़ी रकम देने के लिए बोलती है और फिर मार्कस मान जाता है और उसको वो टूल किट बना के दे देता है। इसके लिए विनी उसको पेमेंट कर देती है। अब ये मेल थी या फीमेल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डार्क वेब पे सभी आइडेंटिटी और नाम फेक होते हैं। फिर उसके कुछ समय बाद विनी मार्कस से एक ऐसा वायरस बनाने के लिए बोलती है जो कि सभी कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर ले। मार्कस उसको मना कर देता है बट विनी फिर धमकी देती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी मेरे पास है, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारी आइडेंटिटी पुलिस को देके तुम्हें फंसा दूंगी। मार्कस सिर्फ 16-17 साल का था इसलिए वो काफ़ी डर जाता है और उसको वो वायरस बना कर दे देता है। उस वायरस का नाम होता है क्रोनोस। ये वायरस भी कुछ कुछ वॉनक्राय जैसा ही था। मार्कस डार्क वेब और हैकिंग के जाल में बहुत तरीके से फंस चुका था। फिर 19 साल की उम्र होते होते उसको विनी से बड़ी मुश्किलों के बाद छुटकारा मिला। फिर मार्कस को थोड़ी सी बुद्धि आई कि ये चीज़ गलत है और फिर वो एक सही राह में निकल पड़ा। उसने मालवेयर टैग के नाम से एक ब्लॉग शुरू किया और 21 साल के होने के बाद उसने क्रिप्टोलॉजिक में वाइट हैट हैकर की जॉब करने लगा। तो गाइस इसलिए मार्कस ने उस वनक्राय वायरस का सिक्योरिटी पैच इतनी आसानी से बना लिया था क्योंकि इसके पहले भी वो एक क्रोनोस नाम के वायरस को बना चुका था जो कि बिल्कुल इसी के जैसा था। और मार्कस के फेमस होने के बाद जब FBI वालों को मार्कस की हिस्ट्री पता चली तो FBI के लोगों ने मार्कस को पकड़ लिया और उन्होंने मार्कस से कहा कि हमें तुम पे पहले से शक था। इससे पता चलता है कि बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। उसका केस टोटल 3 साल चला। उस पर 10 आरोप लगे जिसमें से वो 2 में दोषी पाया गया। कोर्ट ने उसको 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी लेकिन उसके अच्छे कामों के कारण कोर्ट ने 1 साल की कड़ी निगरानी का आदेश देकर उसको छोड़ दिया और मार्कस आज एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता है। तो गाइस ये थी वनक्राय वायरस की स्टोरी। तो गाइस अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल में नए हो ना और अगर पुराने भी हो तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना लाल कलर का उसको क्लिक कर दो। और इसी तरह के वीडियोस अगर और चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।